हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ पंजाबी छोले और इंस्टेंट भटूरे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोले बहुत ही टेस्टी शानदार बने हैं और भटूरे का टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे भटूरे के लिए आटा। तो भटूरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मैदा और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम सूजी। अगर आप आधा किलो मैदे के भटूरे बना रहे हैं तो उसके लिए 100 ग्राम सूजी का यूज करें। तो ये मैंने इसमें सूजी भी ऐड कर दिया है और इसके बाद जाएगा इसमें स्वाद अनुसार नमक और इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच चीनी। चीनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, चीनी से भटूरे का कलर बहुत अच्छा आता है इसलिए इसमें चीनी डाला जाता है। आप चाहें तो शुगर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने ऐड कर दिया है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, और इसके बाद 2 बड़े चम्मच तेल। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। तो ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही, क्योंकि हम यहाँ पे इंस्टेंट भटूरे बना रहे हैं और ये सबसे आसान तरीका है इंस्टेंट भटूरे बनाने का। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच दही। दही अगर थोड़ी खट्टी है तो भटूरे और भी टेस्टी बनते हैं। वैसे आप नॉर्मल दही भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो दही को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम लेंगे पानी। तो पानी हमें थोड़ा गुनगुना लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ml पानी, ये 100 ml की ग्लास है। तो पानी आप अपने हिसाब से भी थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करेंगे। और आज जो भटूरे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही आसान है और 100% बिल्कुल बाजार जैसे फूले फूले भटूरे बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम भटूरे का आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यह आटा मैंने लगा लिया है, उसके ऊपर से हल्का सा तेल लगाएंगे और उसके बाद इसे ढककर आधे घंटे के लिए एक साइड में रख देंगे। तब तक हम छोले बनाकर तैयार करेंगे और तेल ऊपर से ज़रूर लगाएं, इससे आटा सूखता नहीं है। तो ये देखिए मैंने तेल लगा दिया है, अब ढककर इसे एक साइड में रख देते हैं, किसी गर्म जगह में रख दें। तो अब हम बनाएंगे छोले, जिसके लिए मैंने 1 कप काबली चने को, छोले को रात भर के लिए भिगो दिया था। आप कम से कम छोलों को 5 से 6 घंटे के लिए ज़रूर भिगोएं, क्योंकि छोले अगर अच्छे से नहीं पकते हैं तो फिर खाने में स्वाद नहीं आता है। तो छोले को अच्छे से मैंने धुल लिया है और उसके बाद प्रेशर कुकर में डाल दिया है, साथ ही साथ पानी भी ऐड कर दिया है। और आप देख सकते हैं पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया है, बस छोले डूब जाने चाहिए। और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक और 1 से 2 चुटकी खाने का सोडा, बेकिंग सोडा बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कपड़ा, आप चाहें तो मलमल के भी कपड़े का यूज कर सकते हैं, जिसमें मैंने डाला है थोड़े से सूखे हुए आंवले, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 1/2 छोटा चम्मच चाय पत्ती। जो भी मसाले आपके पास नहीं है उसे स्किप कर दें। अगर सूखा आंवला नहीं है तो आप अनार के छिलके का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से हम बांध देंगे पोटली की तरह। ध्यान रहे अच्छे से बांधिएगा, कपड़ा नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो चाय पत्ती बिखर सकती है और हमारे छोले खराब हो सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे टी बैग का भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसे बांध लिया है, इसे हम डाल देते हैं अब छोले में। तो ये मैंने इसे छोले में डाल दिया है, साथ ही साथ यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 2 तेज पत्ता। और जो भी मसाले आपके पास नहीं है आप उसे स्किप कर दीजिए, मेरे पास हरी इलायची नहीं थी तो मैंने नहीं डाला है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मेरी जो छोले उबालने की ट्रिक है, मैंने आराम से छोलों को एकदम लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए उबलने देती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं छोले का पानी ऊपर आ गया है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। आप छोले उबालते समय उसमें हल्का सा घी डाल दीजिए, 1/2 छोटा चम्मच, तो छोले का पानी उबल कर बाहर नहीं आएगा और आपका बर्तन गंदा नहीं होगा। मैं अभी डालना भूल गई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं छोले बहुत अच्छे से उबल चुके हैं, बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये जो हमने मसाले डाले थे, जो पोटली बनाकर डाली थी,
उसे निकाल कर हटा देते हैं और आप देख सकते हैं छोलों का कलर बहुत अच्छा आया है। और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी है छोले बनाने की। छोले बहुत टेस्टी बने हैं। मैंने जिसको भी इस रेसिपी से बने हुए छोले खिलाए हैं सभी ने मेरी बहुत तारीफ की है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो छोले बहुत अच्छे से उबल गए हैं, इसको एक साइड में रख देते हैं और अब हम बनाते हैं छोले के लिए मसाला। तो कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है। यहाँ पे मैं एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी को रोस्ट कर रही हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इस तरह से रोस्ट की हुई कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस हल्का सा कसूरी मेथी को हमें गर्म कर लेना है, उसके बाद ये बहुत अच्छे से क्रश हो जाती है। तो कसूरी मेथी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, सेम उसी कढ़ाई में ऐड कर दिया है 3 बड़े चम्मच तेल। आप जो भी तेल खाते हैं, देसी घी खाते हैं, उसमें छोले बना सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन और 1/4 छोटा चम्मच हींग। जीरा चटकने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज के प्याज का पेस्ट। तो ये मैंने यहाँ पे प्याज का पेस्ट इसमें डाल दिया है। फ्लेम को कम कर देंगे क्योंकि प्याज को हमें जलाना नहीं है, अच्छे से भुनना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे आप प्याज को बहुत अच्छे से भूनें। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कलर बहुत अच्छा होना चाहिए, इसी से छोले का कलर और टेस्ट दोनों आएगा। तो प्याज को हम पहले भून लेते हैं और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस रेसिपी में मैंने तेल का यूज़ थोड़ा कम किया है। आप चाहें तो छोले में थोड़ा ज़्यादा तेल भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो तेल के साथ 1-2 चम्मच देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी छोले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हम देसी घी का यूज लास्ट में करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आपको ज़रूरी लगे तो हल्का सा पानी भी डाल दीजिए 1 टीस्पून, ताकि मसाले जले ना। तो अच्छे से मिक्स करते हुए अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम भून लेंगे। कच्चापन पूरी तरह से चला जाना चाहिए। तो यहाँ पे अदरक लहसुन प्याज सब कुछ बहुत अच्छे से भून चुका है और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो जब भी आप छोले बनाएं थोड़े लाल लाल टमाटर लें, उससे भी छोले का कलर अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। कच्चे टमाटर का यूज ना करें छोले बनाने में। तो मैंने यहाँ पे 2 छोटे साइज के टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया है, जिसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा पानी भी मैं ऐड कर दूंगी ताकि मसाले बहुत अच्छे से भुने, जले ना। तो ये मैंने हल्का सा टमाटर जिसमें मैंने पीसा था उसी को धुलकर पानी ऐड कर दिया है। तो अब हम अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि इसमें से तेल अलग ना होने लगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो प्याज टमाटर अदरक लहसुन सभी को बहुत अच्छे से भूनिए, छोले बहुत शानदार बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे तेल अलग होना स्टार्ट हो गया है। अब हम ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसके बाद ऐड कर देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और भुनेंगे। तो आप देख सकते हैं इस रेसिपी में मैंने किसी भी स्पेशल मसाले का यूज नहीं किया है, जैसे मार्केट वाले छोले मसाले। सिर्फ घर के मसालों के साथ ही हम छोले बनाकर तैयार करेंगे और छोले बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आप बार बार इसी तरह से छोले बनाना चाहेंगे, इतने टेस्टी छोले बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 1.5 टीस्पून अनारदाना पाउडर। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। आप अनारदाना की जगह पे आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अनारदाना से जो टेस्ट आता है वो आमचूर से नहीं आता है। अनारदाना से बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आपको मिलेगा। तो अच्छे से इसे भी हम मिक्स कर देते हैं और आप देख सकते हैं मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं, तेल अलग हो रहा है यहाँ पे। तो अब हमने जो छोले उबाल कर रखे थे उसे इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा मसाला चिपक गया है उसे भी आप छुड़ा लीजिए, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, सोंधा सोंधा सा फ्लेवर। इस तरह से आप मसाले भूनिए, छोले बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके छोले कैसे बने। तो ये देखिए मैंने उबले हुए छोले इसमें ऐड कर दिए हैं, साथ में पानी भी डाल दीजिए, मतलब छोले वाला पानी, क्योंकि ये पानी बहुत हेल्दी होता है, आप इसे मत फेंकिए। इसी से कलर आएगा छोले में, स्वाद आएगा।
तो अच्छे से हम मिक्स करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे, जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से। तो ये मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। अगर आपको थोड़े से लटपटे से छोले पसंद है तो आप थोड़े छोले को क्रश कर दीजिए, मैश कर दीजिए, उससे छोले बिल्कुल लटपटे से हो जाएंगे, घुले मिले हुए से। तो ये मैंने पानी ऐड कर दिया है, छोले में उबाल भी आ गया है। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अब एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और स्टार्टिंग में हमने जो कसूरी मेथी रोस्ट करके रखी थी एक बड़े चम्मच, उसे मैंने थोड़ा सा पाउडर बना लिया है, मतलब बस हाथ से मैश कर दिया है, तो इसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद छोले को 1 से 2 मिनट तक उबलने देंगे हाई फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और छोले को उबालना भी बहुत ज़रूरी है, उससे सारे फ्लेवर आपस में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा नमक, अगर आपको नमक कम लगे तो आप ऐड कर दीजिए, अगर ना लगे तो नहीं ऐड कीजिए। और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, उससे भी बहुत अच्छा चटपटा टेस्ट आता है छोले में, बिल्कुल मार्केट वाला हल्दीराम वाला। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है सभी चीज़ों को, थोड़ा सा छोले को उबाल लेते हैं। तो ये देखिए छोले में अच्छा उबाल आ चुका है, छोला हमारा उबल चुका है 2 से 3 मिनट तक। और लास्ट में हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सॉरी अभी लास्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा एक स्टेप और बाकी है छोले में। तो ये देखिए हरा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। वैसे तो ये छोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन एक स्टेप जो अभी हम करेंगे वो हमारे छोले में जान डाल देगा, स्वाद इसका बहुत बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है छोले में। तो ये देखिए यही है लास्ट स्टेप, हम लगाएंगे छोले में तड़का देसी घी का। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच देसी घी, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसमें ऐड कर दी है कटी हुई हरी मिर्ची और अदरक के लच्छे, थोड़ा सा भून लेंगे, जलाना नहीं है, बस हल्का सा भुनना है। और इसके बाद हम इसे छोले में ऐड कर देंगे, आप चाहें तो सर्व करने के पहले भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने ऐड कर दिया है, और इससे रियली में छोले का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बिल्कुल मार्केट वाला डिट्टो एकदम हल्दीराम वाले छोले बनते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि हमने घर में बनाए हैं। तो छोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं, अब हम भटूरे बना लेते हैं। तो भटूरे के आटे ने भी रेस्ट कर लिया है 1/2 घंटे के लिए, और भटूरा का आटा बिल्कुल तैयार है भटूरा बनाने के लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा चिपचिपा लगे तो हाथ पे तेल लगा लीजिए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से आटे को मिक्स कर लिया है, इसके बाद इसकी लोइयां बना लेंगे हम, जिस भी साइज के हमें भटूरे बनाकर तैयार करने हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप चिकनी चिकनी लोइयां बनाकर तैयार कीजिए अंगूठे और अंगूठे की बगल वाली उंगली की मदद से, जिस तरह से मैं वीडियो में बना रही हूँ। वैसे आप जैसे भी चाहें बना सकते हैं, बस लोइयां चिकनी होनी चाहिए। तो ये देखिए इसी तरह से हम 2-3 लोइयां पहले बनाकर रख लेंगे, और आटे को ढक कर रखें ताकि आटा सूखे ना। तो ये देखिए इस तरह से चिकनी चिकनी लोइयां हम बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप चिकनी लोइयां बनाएंगे तो भटूरे बहुत अच्छे से फूलेंगे, फटेंगे भी नहीं। तो अब हमने लिया है चकला, चकले और बेलन में हम अच्छे से तेल लगा लेंगे भटूरा बेलने से पहले। तो ये चकले और बेलन में भी मैंने तेल लगा लिया है, अब एक लोई लेंगे, थोड़ा तेल लगाएंगे। अगर आप तेल लगाकर भटूरे नहीं बना सकते हैं तो थोड़ा परथन लगा लीजिए, लेकिन ध्यान रहे मैदा बहुत कम मात्रा में लगाइए, मतलब सूखा मैदा। और अब अपने हिसाब से भटूरे बेल लीजिए, चकले को घुमाते हुए, भटूरे को नहीं घुमाना है हमें, चकले को घुमाना है भटूरा बेलते समय। आपको ओवल गोल जो भी साइज़ के भटूरे चाहिए उस तरह से आप भटूरे को बेल लीजिए। मैदा है थोड़ा सिकुड़ेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा भी होगा तो चलेगा। तो इस तरह से हम भटूरे को हाथ पे ले लेंगे, और यहाँ पे गर्मा गर्म धुएंधार तेल में हम भटूरे तलकर तैयार करेंगे। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, और इस तरह से हल्का सा भटूरे को दबाएं, बिल्कुल हल्का हल्का ऊपर से गर्म तेल डालें, 100% आपके भटूरे फूलेंगे बिल्कुल बैलून की तरह। ये देखिए इस तरह से कितने अच्छे से फूल रहे हैं, मैं आपको एक भटूरा और तलकर दिखाती हूँ, और इतने टेस्टी छोले भटूरे बनेंगे कि आप बाहर के छोले भटूरे खाना भूल जाएंगे।
वैसे भी समय ऐसा चल रहा है कि हम बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं, तो घर में बनाइए टेस्टी छोले और भटूरे और खाइए, और मुझे भी कमेंट करके बताइए कि कैसे बने आपके छोले और भटूरे। तो ये देखिए दूसरा भटूरा, ये भी मतलब एक एक भटूरा बहुत अच्छे से फूलेगा। आप डिट्टो रेसिपी को फॉलो करके निफिक्र होके बनाइए और मुझे बताइए। तो ये देखिए दूसरा भटूरा भी बलून की तरह फूल गया है। तो इसी तरह से मैंने सारे भटूरे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए सर्व करते हैं अब हम छोले और भटूरे। तो ये हैं गर्मा गर्म छोले भटूरे और साथ में थोड़ा सा प्याज हरी मिर्च। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कमेंट और फॉलो कीजिए, और अगर अचार की ज़रूरत लगे तो अचार भी ले लीजिए, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है अचार की, बहुत टेस्टी बने हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।